रांची पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों का करण कुमार, चंदन कुमार, सुदामा कुमार है। गिरफ्तार तीनों साइबर अपराधी बिहार के रहने वाले हैं। रांची एसएसपी किशोर कौशल को जानकारी मिली थी कि साइबर अपराधी गिरोह बनाकर कई लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची एसएसपी किशोर कौशल ने ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मामले की जांच करने का आदेश दिया था। मामले की जांच करते हुए रांची पुलिस ने इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कुल 12 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा ऐसा कह सकते हैं कि एक नए तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था और बहुत सारे मामलों में ये सफल भी हुए लोगों से ठगी कर पाने में, और न केवल राज्य के बल्कि राज्य के बाहर के भी कई लोगों को ठग पाने में, कई लोगों की राशि एक तरीके से अपने खाते में ट्रांसफर करा पाने में ये कामयाब हुई है। बेसिकली इनके अगर हम मोडस ऑपरेंडी की बात करें, इनके तरीके की बात करें, तो इनके द्वारा विभिन्न जो शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके डेटाबेस, उनके कस्टमर्स के डेटाबेस को किसी प्रकार से इन्हें प्राप्त किया गया इनके द्वारा, और उन कस्टमर्स को इनके द्वारा मैसेजेज भेजे जाते थे और साथ ही साथ कुरियर भी भेजा जाता था, जिसमें कि पैम्पलेट और एक स्क्रैच कार्ड होता था। पैम्पलेट में QR कोड भी होता था और साथ में स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच करने पर जो उनके द्वारा जीती हुई राशि है वो अंकित होती थी। QR कोड में भी सेम चीज रिफ्लेक्ट होता था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।